सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज मैं आप सभी को फिर से कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। कुछ दिनों पहले मैंने वेयरवुल्फ की एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें 3 पार्ट थे, और कई लोगों को पार्ट्स में जो है वो स्टोरीज़ जो है वो सुनना पसंद नहीं होता, इसलिए मैंने उन तीनों पार्ट्स को कंबाइंड करके एक लॉन्ग हॉरर स्टोरी को रेडी कर दिया है। तो अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं सुना है तो मैंने कल चैनल पर उसे कंबाइंड करके अपलोड कर दिया है, तो आप उसे सुन सकते हैं। और उसे सुनने के बाद आप अपने कमेंट ज़रूर करें कि आपको वो सीरीज़ कैसी लगी। तो चलिए इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक हॉन्टेड विलेज की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और साथ ही साथ अपने जो ओपिनियंस हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियाँ जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। ये बात उस वक्त की है जब मैं सिर्फ 8 साल का था, और मैं अपने बड़े भाई के साथ हमारे गांव के एक बगीचे में खेलने के लिए गया हुआ था। उस वक्त हम दोनों को क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए मैं और मेरा बड़ा भाई रोज़ गांव के बगीचे में क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे और हमें काफ़ी मज़ा आता था। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों क्रिकेट खेलने के लिए बगीचे में गए हुए थे, और उस वक्त मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा था। हमारा खेलने का बहुत ही ज़्यादा मन था, इसलिए हमने मौसम की चिंता नहीं करी और खेलने के लिए पहुंच गए। दोपहर के वक्त हम दोनों क्रिकेट खेल रहे थे और हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था, और खेलते खेलते काफ़ी वक्त बीत गया। 2-3 घंटे कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला, और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए। मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों पसीने से तरबतर हो गए, और आखिरकार शाम के तकरीबन 5 बजे मेरे बड़े भाई ने कहा, चलो अब बहुत खेल लिया है, अब हमें घर चलना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। मेरे हिसाब से 5 तो बज ही गए होंगे। और फिर मैंने कहा, भैया थोड़ी देर और रुक जाइए ना, मज़ा आ रहा है, और 6 बजे हम चलेंगे, अभी 5 ही बजे हैं, अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ। और फिर मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, देखो अब हमें चलना चाहिए, घर जाने में भी वक्त लगेगा, समझे तुम, और अगर हम अभी नहीं निकलेंगे तो दिक्कत हो सकती है। चलो अब। मेरे बड़े भाई बार बार मुझे घर चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन मेरा जो मन था वो मान नहीं रहा था, मैं और खेलना चाहता था, इसलिए मैंने अपने बड़े भाई से कहा, देखो भैया मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी देर और खेलना है, और आपको तो पता ही है कल से स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर हम खेल नहीं पाएंगे, इसलिए अभी थोड़ी देर और खेल लेते हैं। मेरी ज़िद के आगे भैया भी हार मान गए, और उन्होंने कहा, ठीक है लेकिन थोड़ी देर और, उससे ज़्यादा नहीं। मैं खुश हो गया, और फिर से हम दोनों क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलते खेलते बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया, और लगभग 6 बज गए। 6 बजे गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, खासकर बगीचे वाले इलाके में, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं बैटिंग कर रहा था और मेरे भैया ने बॉलिंग कराई। मैंने एक शॉट मारा और बॉल थोड़ी दूर जाकर गिरी। मेरे भैया ने कहा, अब बस हो गया बहुत, चलो अब घर चलना है, मैं बॉल लेकर आता हूँ, उसके बाद हम दोनों घर जाएंगे। और फिर मैंने कहा, ठीक है भैया अब हम घर ही चलेंगे। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई थे वो बॉल लेने के लिए चले गए, और मैं वहीं पर खड़ा खड़ा इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 2 मिनट हो गए, लेकिन मेरे बड़े भाई जो थे वो वापस नहीं आए, और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और उसके बाद मैं भी अपने बड़े भाई के पीछे पीछे जाने लगा कि आखिर वो कहाँ गए। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था जिस दिशा में मेरे बड़े भाई गए थे, और तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे जो बड़े भाई थे वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए
वहाँ से भागते हुए आए और वो मुझसे टकरा गए। और वो जैसे ही मुझसे टकराए, उन्होंने मुझसे कहा, चल 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 यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। मेरे बड़े भाई जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। और फिर मैंने अपने बड़े भाई से पूछा, क्या हो गया भैया, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और फिर मेरे बड़े भैया ने कहा, अभी ये सब सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, भाग यहाँ से। मेरे जो बड़े भाई थे वो वहाँ से भागने लगे और मेरे को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था, आखिर मैं भागूँ तो क्यों भागूँ। और तभी अचानक से मैंने वहाँ तकरीबन 300 से 400 मीटर दूरी पर एक डरावने से पेड़ के नीचे एक औरत को खड़ा देखा। और वो औरत काली साड़ी पहनकर वहाँ पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसने घूंघट किया हुआ था। घूंघट की वजह से उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिख पा रहा था, लेकिन उसकी जो चेहरे की मुस्कुराहट थी वो दिख रही थी। और मेरा खौफ तो तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब वो धीरे धीरे हमारी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसको देखकर मैं एकदम बुत बनकर खड़ा रह गया था, मेरा दिमाग जो था वो फ्रीज हो चुका था। तभी मेरे भैया ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मरना है क्या, भाग वहां से। और फिर मैंने अपने भैया की तरफ देखा और उसके बाद फिर उस पेड़ के नीचे देखा तो वो औरत वहां नहीं थी और वो तकरीबन 100 मीटर आगे आ चुकी थी। पलक झपकते ही वो औरत इतनी आगे कैसे आ गई ये मेरी समझ के बाहर था, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वहां से भाग लेने में ही भलाई है, इसलिए मैं भी अपने भैया के पीछे पीछे पूरी जान लगाकर भागा। हम दोनों इतना तेज भागे कि हमने आधे घंटे का जो रास्ता था वो सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर दिया। और घर पहुंचने के बाद हमने चैन की सांस ली। उस दिन हमारे घर में भी हमको बहुत डांट पड़ी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हमें खेलते खेलते, और गांव के अंदर 6-7 बजे तक बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और 6-7 बजे के बाद कोई ज़्यादा बिना मतलब के घर से बाहर निकलता भी नहीं है। लेकिन हम दोनों बाहर खेल रहे थे जिसकी वजह से हमें बहुत डांट पड़ी। और जब ये बात मैंने अपने घर में बताई तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए। मेरे जो भैया थे उन्हें 2 दिनों तक बुखार रहा और मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब रही, लेकिन कुछ दिनों बाद हम ठीक हो गए। लेकिन वो जो शाम थी, वो जो अंधेरी शाम थी, वो आज तक हमारे दिल और दिमाग में एकदम फिल्म की तरह छपी हुई है। और जब भी हम उस शाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे माथे पर पसीना आ जाता है। गर्मी का मौसम था और मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। गर्मी के मौसम में मुझे छत पर सोने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैं छत पर सो रहा था। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे मुझे काफ़ी प्यास लगी थी और प्यास की वजह से मेरी जो आँखें थी वो खुल गई थी। मैं पानी पीने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसके बाद मैं पानी पी के फिर से छत पर आ गया। मैं चारपाई पर लेट ही रहा था तभी अचानक से मैंने कुछ अजीब देखा। मैंने देखा कि जो मेरे मामा का घर था उसके बगल में एक घर था, उसकी छत पर एक आदमी काफ़ी अजीब व गरीब तरीके से बैठा हुआ था और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उस आदमी को देखकर काफ़ी डर लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने जैसे तैसे उसे नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया और मैं चारपाई पर लेट गया। मैंने सोने के लिए आंखें बंद तो करी लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। बार बार मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था और बेचैनी हो रही थी। वो आदमी बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। तभी मैं उठकर बैठ गया और मैंने फैसला किया कि मैं उस आदमी से पूछताछ करूँगा। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि वो जो आदमी था वो उस बगल वाली छत पर था ही नहीं। और उसके बाद जब मैंने उस आदमी को वहाँ पर नहीं देखा तो मैंने चैन की सांस ली। मैंने सोचा कि चलो कोई पागल वागल होगा, अब चला गया होगा, इसलिए मैं फिर से चारपाई पर लेट गया। और थोड़ी देर बाद ही वो न जाने वो आदमी मेरे दिमाग में फिर से घूमने लगा। बार बार उसी की जो तस्वीर थी वो मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे डर लग रहा था। मैं सो नहीं पा रहा था और उसके बाद मैं फिर से उठकर चारपाई पर बैठ गया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैंने देखा कि वो जो घर था
मतलब मैं छत पर सो रहा था तो घर के सामने एक बगीचा था जिसमें 3-4 पेड़ थे। वो जो आदमी था उसी बगीचे में से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसी तरीके से बैठा हुआ था जैसे वो छत पर बैठा हुआ था। वो अचानक से वो वहाँ से उस बगीचे में कैसे पहुँच गया ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावना लगा। उस आदमी को उस पेड़ के नीचे देखकर मेरी जो घबराहट थी वो बढ़ गई और तभी उस आदमी ने अपना जो सर था वो ऊपर किया और मेरी तरफ देखने लगा। और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा मेरी तो रूह ही कांप गई। उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे घूरना शुरू कर दिया और उसका घूरना बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तकरीबन 2-3 मिनट तक मैं डरता रहा लेकिन उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने फैसला किया कि मैं उस आदमी से पूछताछ करूं कि आखिर वो कौन है और क्या कर रहा है। मैंने एक डंडा उठाया और वो डंडा उठाने के बाद सीढ़ियों से सीधा नीचे उतरा। उसके बाद घर से बाहर निकलने के बाद मैं उस बगीचे की तरफ बढ़ा। मैं उसी पेड़ के नीचे गया जहां पर वो आदमी बैठा हुआ था। मैंने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही मैंने ये पूछा उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और तस का मस वहीं बैठा रहा। उसके बाद मैंने एक और बार पूछा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ, तुम हो कौन और कर क्या रहे हो यहाँ पर? उस आदमी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद मैंने उस आदमी को लाठी से डराते हुए कहा, ये लाठी देख रहे हो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो तो मैं इस लाठी से मार मार कर तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा, समझे तुम? इतना कहने के बाद भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं पर बैठा रहा। मुझे उस आदमी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने चिल्लाकर अपने मामा को बुलाया और मेरे घर में जितने भी लोग थे वो सब उठ गए। थोड़ी ही देर बाद घर के सारे लोग बाहर आ गए और मेरे मामा ने कहा, अरे क्या हो गया, तुम तो छत पे सो रहे थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को इस बगीचे में? और फिर मैंने अपने मामा से कहा, मामा ज़रा इसको देखो, पता नहीं ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। जब मैं छत पर सो रहा था तो ये पता नहीं कैसे बगल वाली छत पर आ गया और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ आकर बगीचे में बैठ गया। ज़रा इसे भगाओ यहाँ से, इसे देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मेरे जो मामा थे वो वहाँ पर आए और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बता कौन है? और फिर मैंने अपने मामा से कहा, अरे ये देखो ना, ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ सामने, बेवकूफ़ कहीं का, सुनाई दे रहा है कुछ? और फिर मेरे मामा ने कहा, अरे कौन है सामने, सामने तो कोई भी नहीं है। और उसके बाद मैंने अपने मामा से कहा, मामा आपको इतनी रात को मजाक करना है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? यहाँ सामने ये बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और आप कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं यहाँ पर। और फिर घर के सारे जो लोग थे वो आ गए और जितने भी आस पड़ोस के घर थे वहाँ से भी लोग आ गए। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, अरे बेटा यहाँ सच में कोई नहीं है, वो जो आदमी था वो मेरी आंखों के सामने बैठा हुआ था लेकिन मेरे अलावा किसी को भी वो आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो आदमी मुझे देखकर हंसने लगा और फिर मैंने उसे घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? और फिर उस आदमी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, मंगलू। और फिर मैंने कहा, मंगलू ये कौन सा नाम है मंगलू? और जैसे ही मैंने ये नाम कहा गांव के जितने भी लोग थे वो सब डर गए और मेरे जो मामा थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए सीधा घर के अंदर ले गए। और जितने भी लोग थे सब अपने अपने घर के अंदर घुस गए, सब ने घर को अंदर से लॉक्ड कर दिया। और उसके बाद मैंने अपने मामा से कहा, अरे मामा आखिर बात क्या है, ये सब क्या है? एक तो वो आदमी जो पागल था वो इतनी देर से मुझे परेशान कर रहा था और उसके बाद जब मैं उससे निपट रहा हूँ तो आप जो है मुझे यहाँ हाथ पकड़ कर लेकर आ गए, आखिर क्या है ये सब?
और फिर मेरे मामा ने मुझसे कहा, बेटा निपटा उससे जाता है जो कि जिंदा हो, जिसे तुम देख रहे थे वो मुर्दा है। मुझे कुछ ये बात समझ नहीं आई और फिर मैंने अपने मामा से पूछा, मामा आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर मेरे मामा ने मुझसे कहा, अरे वो जो तुम्हें दिख रहा था पेड़ के नीचे बैठा हुआ, वो मंगलू है, वो मर चुका है, समझे तुम, जिसे तुम देख रहे हो वो उसकी आत्मा है, इसलिए वो तुम्हारे अलावा किसी भी गांव वाले को नहीं दिखा, वो बहुत ही कम लोगों को दिखता है। और उसके बाद मैंने अपने मामा से पूछा, मामा आप ये कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं, आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है और आप सभी, मुझे पता है आप सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आपको भी वो दिख रहा है साफ साफ, फिर भी। और फिर मेरे मामा ने मुझसे कहा, ज़रा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या लग रहा है 1% कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। और फिर मैंने अपनी मामा की आंखों में देखा तो मेरी मामा की आंखों में खौफ था, वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया, बहुत वक्त पहले मंगलू नाम का एक आदमी रहा करता था, उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो गांव में इधर उधर घूमा करता था, उसके पास घर नहीं था, लोग उसे रोटी दे देते थे और वही रोटी खाकर उसका गुजारा चलता था, और वो बगीचे में उसी पेड़ के नीचे सोकर अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। लेकिन एक रात कुछ गुंडे बदमाश यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने मंगलू को देख लिया, वो सब मंगलू को परेशान करने लगे, और जब मंगलू को गुस्सा आ गया तो उसने उन बदमाशों से लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहाँ वो बेचारा मंगलू, उसकी मानसिक स्थिति खराब थी, उसमें समझ नहीं थी, अचानक से उन बदमाशों ने गोली चला दी और जैसे ही गोली चली तो सब लोग बाहर निकले अपने अपने घर से, और फिर हमने देखा कि वो जो बदमाश थे वो बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गए, और उस मंगलू को हम हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन उसे बचा नहीं पाए। तब से लेकर आज तक बहुत लोगों को मंगलू दिख चुका है। मुझे लगा कि तुम शहर के हो, तुम्हें भूत प्रेतों पर यकीन नहीं होगा, अगर मैं तुम्हें ये सब बातें बताऊंगा तो तुम्हें फिजूल लगेगी, लेकिन तुमने भी मंगलू को देख लिया। अब जाओ, छत पर मत सोना, यहीं कमरे में सो जाओ। उस रात मैं सो तो गया लेकिन कई दिनों तक, जब तक मैं अपने मामा के घर पर रहा, रात के वक्त मेरे कानों में एक आवाज़ एक बार ज़रूर आती थी और वो आवाज़ थी, मंगलू। गर्मी का मौसम था और मैं और मेरा एक कज़न, हम दोनों एक रूम में थे, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे और यही सोच रहे थे कि आखिर क्या किया जाए टाइम पास के लिए। तभी मेरा जो कज़न था उसने अचानक से कहा, हे क्या तुम्हें भूत प्रेतों में यकीन है? और फिर मैंने अपने कज़न से कहा, अरे यार ये कैसी बकवास बातें कर रहा है, माना हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है अभी, हम बोर हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूत प्रेतों की बातें करेंगे, ये सब अंधविश्वास होता है। और फिर मेरे उस कज़न ने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन क्या तुझे पता है भूत प्रेतों को अपनी दुनिया में बुलाने का एक रास्ता है। और उसके बाद मैंने अपने कज़न से कहा, क्या ये तो कैसी बकवास बातें कर रहा है, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद मेरा जो कज़न था उसने अपने बैग से एक चीज़ निकाली जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी मुझे। मेरे कज़न ने उस चीज़ को दिखाते हुए कहा, ये देख, कभी देखा है इसे? और फिर मैंने नाम में सर हिलाया और उसके बाद मेरे कज़न ने मुझसे कहा, ये देख ये है आहूजा बोर्ड, इससे हम जो लोग मर चुके हैं उनसे बातें कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा इस बोर्ड से मतलब जिस पर ये ABCD लिखी हुई है, हाँ उससे तू मरे हुए लोगों से बात कर सकता है, कैसी बकवास चीज़ है ये, देख मैं तो सोने जा रहा हूँ, मुझे ये सब बकवास चीज़ें नहीं करनी, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, ठीक है चल।
और फिर मेरे कज़न ने कहा, अरे मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने बहुत बार लोगों के मुँह से सुना है कि इससे बाहर की दुनिया से जो है वो संपर्क बनाया जा सकता है। और फिर मेरा जो कज़न था उसने उस बोर्ड को वहीं हमारे सामने रखा, मैं भी उठकर बैठ गया। और उसके बाद मेरे कज़न ने कहा, देख अब कैसे मैं आत्माओं से बात करता हूँ, देखता जा। और फिर मैंने हंसते हुए कहा, चल ठीक है मैं बैठा हुआ हूँ देखता हूँ, लेकिन तूने अगर आत्माओं से बात नहीं करी तो देख मैं तेरा कितना बुरा हाल करूँगा। और फिर मेरे कज़न ने हंसते हुए अचानक से कहा, क्या कोई आत्मा यहाँ पर है, क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है? तकरीबन एक मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैंने अपने कज़न से कहा, बस करवाली बेइज्जती, मन भर गया, हो गई बात, हाँ चल अब सो जा। और मैं सोने ही वाला था तभी अचानक से वो जो बोर्ड था वो हिलने लगा और उसके ऊपर एक कर्सर जो था वो अपने आप ही एक अल्फ़ाबेट के ऊपर आकर रुक गया और वो अल्फ़ाबेट था वाई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, तभी मेरे उस कज़न ने कहा, देख देख कोई आत्मा है यहाँ पर। और फिर मेरे कज़न ने कहा, क्या तुम हमारे बारे में कुछ जानते हो? और फिर अचानक से वो जो कर्सर था वो फिर से वाई पर आ गया और उसके बाद मेरी जो आंखें थी मुझे उन पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मैं क्या देख रहा हूँ। तभी मुझे लगा कि ये कोई खिलौना है और इसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा होगा, इसलिए मैंने अपने कज़न से कहा, हाँ हाँ ठीक है मैंने देख लिया, बहुत अच्छा है तेरा खिलौना, अब बंद कर इसे। और फिर मेरे कज़न ने कहा, क्या तुझे अभी भी खिलौना दिखाई दे रहा है, ये पागल है क्या? अबे अभी हमारे पास एक आत्मा है, वो हमसे बात कर रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया और फिर मैंने अपने कज़न से कहा, अच्छा चल ज़रा पूछियो मेरी बर्थ डेट क्या है। और फिर मेरे कज़न ने कहा, मेरे कज़न को यकीन दिलवाओ कि तुम यहाँ पर हो, क्या तुम मेरे कज़न की बर्थ डेट बता सकते हो? और तभी अचानक से वो जो कर्सर था वो कर्सर जो था वो पहले 9 पर गया, उसके बाद 3 पर गया, उसके बाद 2 पर गया, उसके बाद 0 पर गया, उसके बाद एक और बार 0 पर गया और उसके बाद 1 पर गया। और ये देखकर मेरा जो दिल था वो मानो खौफ से भर चुका था क्योंकि वही मेरी बर्थ डेट थी। ये देखकर मेरा जो सर था वो घूमने लगा और फिर उसके बाद मैंने कहा, चल अपनी बर्थ डेट पूछ जरा। और उसके बाद मेरे कज़न ने कहा, क्या तुम मेरी बर्थ डेट बता सकते हो? और उसके थोड़ी ही देर बाद वो कर्सर फिर से हिलने लगा और वही हुआ जो पहले हुआ था, उसने मेरे कज़न की जो बर्थ डेट थी वो सही सही बता दी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अपने जितने भी जान पहचान के दोस्त थे सबकी डेट ऑफ बर्थ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे याद थी, वह मैंने पूछी और वो कर्सर हर बार सही निकला। ये करते करते काफ़ी रात हो गई थी और उसके बाद मेरा जो कज़न था उसने मुझसे कहा, यार बहुत वक्त हो गया अब मुझे नहीं खेलना, अब बंद कर देते हैं। और फिर मैंने कहा, अरे पता नहीं तूने क्या किया है, मुझे डर लग रहा है, बंद कर इसको ये जो कुछ भी है। और फिर मेरा जो कज़न था उसने कहा, हमने बहुत बातचीत कर ली है, अब तुम जहाँ से आए हो वहीं पर चले जाओ और हम दोनों अब सो रहे हैं। और जैसे ही ये बात मेरे कज़न ने कही वैसे ही घर की जो लाइटें थी वो चालू बंद होने लगी और वो जो कर्सर था वो N और O पर जाकर रुक गया। इसका मतलब वो आत्मा वापस नहीं जाना चाहती थी। मेरे कज़न ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और फिर
उस कर्सर के द्वारा उस आत्मा ने अपना नाम बताया, और उस कर्सर ने जो नाम बताया था, यानी कि उस आत्मा ने, वो नाम था बलदेव सिंह। और ये नाम सुनकर मेरे कज़न की और मेरी दोनों की हालत जो थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि ये जो नाम था, ये नाम हमारे दादाजी का था, और उनकी जो मृत्यु थी वो 3 साल पहले ही हो गई थी। इतने पूछा, क्या आप ही हमारे दादाजी हैं? और उसके बाद उस कर्सर के द्वारा उस आत्मा ने जवाब दिया, हाँ। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने और मेरे कज़न ने सोचा नहीं था। हमारे कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाने लगा, और मेरा जो कज़न था वो घबराते हुए गया। मेरे कज़न ने दरवाज़े को खोला तो बाहर मेरे चाचा, यानी कि उसके पापा खड़े थे, और उन्होंने कहा, इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम कर क्या रहे हो? लाइटें जली हुई हैं। और फिर मेरे जो चाचा थे उन्होंने देखा रूम में उस बोर्ड को, और उसके बाद उन्होंने कहा, ये कोई खेलने का वक्त है, इतनी रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। ये कहकर उन्होंने उस बोर्ड को उठाया और फेंक दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, और मेरा जो कज़न था वो भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। हम दोनों डर के कारण उस रात सो गए, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ वो हम ज़िंदगी भर कभी भुला नहीं पाएंगे। रात का वक्त था, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों घर वापस आ रहे थे। एक लंबे सफ़र के बाद हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। मैं बाइक चला रहा था और मेरा जो दोस्त था वो पीछे बैठा हुआ था। हमें आने में काफ़ी देर हो गई थी, तकरीबन रात के 10 बज गए थे, और हमारे गांव में रात के 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अंधेरे की वजह से कोई भी बिना मतलब के अपने घर से बाहर नहीं निकलता। रात के 10 बजे सुनसान सड़कों से होते हुए हम अपने घर की तरफ आ रहे थे, तभी अचानक से मुझे टॉयलेट लगी, और मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार बहुत देर से टॉयलेट लग रही है और मुझसे अब रोका नहीं जा रहा, मैं बाइक साइड में लगा देता हूँ। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यहीं लगा दे, और किसी पेड़ के नीचे हो या। मैंने बाइक को एक साइड में लगा दिया, और उसके बाद हम दोनों बाइक से उतरे। मेरा जो दोस्त था वो बाइक के पास ही खड़ा रहा, और उसने मुझसे कहा, जा उधर ढेर सारे पेड़ हैं, उसमें किसी के नीचे करके आ जा। और फिर मैंने हाँ मैं सर हिलाया, मैं पेड़ों की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर कई सारे पेड़ थे, और मैं एक पेड़ के नीचे हल्का होने लगा। तकरीबन 1 मिनट बाद मेरा जो काम था वो ख़त्म हुआ, और मैं पीछे मुड़ी रहा था, तभी अचानक से मुझे काफ़ी अजीब महसूस हुआ। एक ठंडी सी हवा मुझे छू कर निकली, और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक के पास आ गया। जैसे ही मैं बाइक के पास आया तो मैंने देखा मेरा जो दोस्त था वो बाइक के पास खड़ा था, और उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे। जब मैंने अपने दोस्त को इस हालत में देखा तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरे क्या हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक था, अभी तेरे चेहरे पे रात के 12 कैसे बज गए? और फिर मेरे दोस्त ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए, अरे तूने टॉयलेट करते हुए देखा नहीं क्या? और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपने दोस्त से कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है, टॉयलेट ही तो करना था, किसी भी पेड़ के नीचे कर दिया, उसमें पेड़ देखने की क्या ज़रूरत? और फिर उसने मुझसे कहा, अरे बेवकूफ़, पीछे देख तू किस पेड़ के नीचे मुँह के आ गया। जैसे ही मेरे दोस्त ने ये बात कही तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, और मैं जिस पेड़ के नीचे मुँह कर आया था तो उस पेड़ की एक टहनी पर एक अलग कपड़ा लटका हुआ था, और साथ में गुड़िया लटकी हुई थी। साफ साफ पता लग रहा था कि उस पेड़ के ऊपर जादू टोना किया गया है। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे तू इतना घबरा क्यों रहा है, ये सब कुछ भी नहीं होता, कोई अंधविश्वासी होगा, गांव में तू जानता ही है ऐसे लोगों की कमी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है चल चलते हैं अब। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसी बातों को तू ऐसे
हल्के में कैसे ले सकता है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गलती हो गई यार, मेरा भी ध्यान नहीं गया। अरे कम से कम तुझे तो देखना चाहिए कि कौन से पेड़ के नीचे मूत रहा है, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, हाँ अजीब तो महसूस हो रहा है, मेरा सर भारी भारी सा लग रहा है और मुझे काफ़ी बेचैनी हो रही है। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, देखा देखा मैं कह रहा था ना चल 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 मैं तुझे मंदिर ले चलता हूँ। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अंधविश्वास है, चल अब घर चले। मैं बाइक पर बैठ गया और मेरा जो दोस्त था वो भी बाइक पर बैठ गया। हम दोनों फिर से अपने घर की ओर निकल पड़े। मैं बाइक चला रहा था लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और मेरे दोस्त के अलावा भी कोई मेरे आसपास है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हर 5 या 2 मिनट पर मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे पास है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। वो मुझे ठंडी हवा की तरह महसूस होता था और कभी कभी मेरे कानों में एक आवाज़ आती थी। मैं अपने दोस्त को लेके घर पहुंचा और मेरा जो दोस्त था वो अपने घर चला गया और मेरा घर भी उसके घर के थोड़ा सा बगल में था, तो मैं भी अपने घर के अंदर चला गया। गांव के जितने भी घर थे सब में लाइट्स बंद हो गई थी, मेरे और मेरे दोस्त के घर को छोड़कर। मैं जैसे ही घर के अंदर घुसा वैसे ही मेरा जो सर था वो थोड़ा भारी भारी सा लगने लगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद सफ़र के दौरान जो थकान हुई है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं सीधा घर के अंदर चला गया। लेकिन न जाने क्यों मुझे घर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे खुशी होनी चाहिए थी कि चलो मैं घर वापस आ गया, लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही थी। मुझे एक अजीब तरह से एक गुस्सा सा आ रहा था और वो गुस्सा मुझे क्यों आ रहा था मुझे इस बात का कुछ पता नहीं चल रहा था। सब कुछ मेरे घर में नॉर्मल था, मेरी पसंद का खाना भी बना हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी बिना वजह मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं छोटी छोटी बातों पर चिल्ला दे रहा था, अगर कोई छोटी सी भी गलती कर दे तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि मन करता था कि मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूं। धीरे धीरे वो जो सर का भारीपन था वो बढ़ता गया और अचानक से मेरे आँखों के सामने अंधेरा जो था वो छाने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना खाया और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मेरे पास सर दर्द की एक गोली थी तो मैंने उस गोली को खाया और पानी पी के सो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। मेरी आंखें खुली और उसके बाद मैंने देखा कि जो मेरे घर का सामान था वो टूटा फूटा पड़ा था। मेरे घर की जो टीवी थी वो भी टूटी पड़ी थी और जितना भी सामान था वो सब इधर से उधर फैला हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने तुरंत घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करी लेकिन जो मेरा कमरा था वो बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था और मैं बार बार दरवाज़ा खटखटा कर दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा था लेकिन किसी ने भी मेरे जो कमरे का दरवाज़ा था उसे खोला नहीं। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुल गया और मैंने देखा कि वहाँ पर एक पंडित जी थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को ये पंडित मेरे घर में क्या कर रहा है। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि जितने भी मेरे घर वाले थे वो सब काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, कोई भी मेरे करीब नहीं आ रहा था। उन पंडित ने कुछ मंत्रों का जाप किया और उसके बाद मेरे ऊपर कुछ जल वगैरह छिड़का। उनके जल छिड़कते ही न जाने कैसे मेरा जो सर भारी भारी मुझे लग रहा था वो अचानक से नॉर्मल हो गया और जो मुझे बात बात पर गुस्सा आ रहा था वो भी नॉर्मल हो गया। पूरी रात मैं ऐसे ही परेशान रहा और सुबह मेरे घर वालों ने बताया कि मैं अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और घर का जो सामान था वो तोड़ फोड़ रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मेरी हालत ख़राब हो गई। घर के CCTV कैमरा में मेरी जितनी भी हरकतें थी वो सब रिकॉर्ड हो गई और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब जो कर रहा है वो मैं हूँ। मैं अजीबोगरीब तरीके से चिल्ला रहा हूँ और घर के सामान को इधर उधर फेंक रहा हूँ और सबसे डरावने वाली बात तो ये है कि मुझे कुछ भी याद नहीं था। और फिर मुझे याद आया कि मैंने उस पेड़ के नीचे टॉयलेट किया था
उस दिन के बाद से मैंने किसी भी पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं किया। मैं और मेरे कुछ दोस्त जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे और हम घूम भी रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मेरे दोस्त और मैं उस ग्रुप से अलग हो गए थे और हम अकेले जंगल में भटक रहे थे। हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। हमें जैसा समझ आ रहा था हम वैसे वैसे कर रहे थे। मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, हमें एक जगह खड़े रहना चाहिए, वो हमें खुद ढूंढ लेंगे। और फिर मेरे दूसरे दोस्त ने कहा, अरे अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि कोई जानवर आके हमें खा जाए, वैसे भी अंधेरा हो रहा है, और अगर अंधेरा हो गया और हमने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करी और यहीं पर खड़े रहे तो रात भर कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे, रात को खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक जगह खड़े रहना सही नहीं है। और मैंने कहा, हाँ ये सही कह रहा है, हमें इधर उधर पता करना चाहिए, आवाज़ लगानी चाहिए, जैसे ही वो लोग हमारे करीब पहुँचेंगे तो वो हमारी आवाज़ सुन के यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने और मेरे दोस्तों ने ऐसा ही किया। हम तीनों आवाज़ लगा रहे थे और आवाज़ लगाते लगाते इधर से उधर भटक रहे थे। तभी अचानक से मेरे जो दोस्त थे वो आगे निकल गए और मेरे जो बैग से कुछ सामान था वो न जाने कैसे ज़मीन पर गिर गया और मैं उसे उठाने के लिए ज़मीन की तरफ झुका। और उसके बाद जैसे ही वो सामान को मैंने उठाकर बैग में डाला और चैन बंद किया तो मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त थे वो वहाँ से आगे निकल गए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस डायरेक्शन में गए हैं। तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ लेफ्ट साइड से आ रही थी, और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि मेरे दोस्त की थी। मेरे दोस्त ने चिल्लाते हुए मेरा नाम लिया और मैं उसी डायरेक्शन में जाने लगा। चलते चलते उस आवाज़ का पीछा करते हुए मैं गुफा के पास पहुँच गया जहाँ पर मेरे दोनों दोस्त खड़े थे, और उन्होंने मुझसे कहा, चल भाई हमें अंदर चलना चाहिए, यहीं पर सबसे सेफ लग रहा है मुझे, यहीं पर रहकर हमें वक्त बिताना चाहिए और वो सब हमें ढूंढ लेंगे। मैंने उस गुफा की तरफ देखा तो उस गुफा में पूरा अंधेरा था, उस गुफा में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और मेरे जो दोस्त थे वो दोनों उस गुफा में चले गए और गुफा के अंदर से आवाज़ लगाने लगे, अरे आजा आजा भाई आजा, यहाँ थोड़ा अंधेरा है। शाम हो चुकी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ भी मेरे दोस्तों की ही थी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दोनों दोस्त पीछे खड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ क्या कर रहा है, पागल है क्या, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने ये देखा तो मेरे हाथ पैर जम गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, अगर मेरे दोस्त पीछे खड़े हैं तो वो कौन है जो अभी अभी मेरी आंखों के सामने गुफा के अंदर गए। मैंने एक पत्थर उठाया और गुफा के अंदर फेंका और तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई, जब मैंने और मेरे दोस्तों ने यह आवाज़ सुनी तो तीनों के माथे पर पसीना आ गया और हम तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे। हम पूरी अपनी ताकत लगाकर वहाँ से भाग रहे थे और हम कई किलोमीटर भागते ही रहे। हम चाहकर भी खुद को भागने से रोक नहीं पा रहे थे, हम जितना भी दूर भाग जाएं, हमारा मन हमें और दूर भागने के लिए कह रहा था। और ऐसे ही कई किलोमीटर भागने के बाद अचानक से हमें एक कार की आवाज़ सुनाई दी और वो जो कार थी वो हमारे आसपास ही थी। जैसे ही मेरे दोस्तों ने और मैंने उस कार की आवाज़ को सुना तो हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जग गई और उसके बाद हम उसी आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे तो हमने देखा कि वो जो कार थी वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की थी जो कि हमें ढूंढ रही थी। जैसे ही हमने उन्हें देखा तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उस दिन हमें रेस्क्यू किया। मैंने और मेरे दोस्तों ने कसम खा ली कि हम फिर से कभी भी
किसी जंगल में घूमने के लिए तो नहीं जाएंगे। न जाने वहाँ ऐसी कौन सी रहस्यमयी चीज़ें हमें मिल जाए जो कि हमारी जान के लिए मुसीबत बन जाए। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। हॉस्टल में नया नया था। जब मैंने अपने कमरे को देखा तो कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, काम चलाऊ था। मैंने अपने सामान को अपने हिसाब से सेट करना शुरू किया। मेरे कमरे के बगल में ही एक और कमरा था जिसमें एक और स्टूडेंट रहा करता था, उसका नाम ऋतिक था। हमारे कमरे अगल बगल थे तो बातचीत होती थी और बातचीत होते होते काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। एक रात हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो ऋतिक ने मुझसे पूछा कि भाई तूने इस हॉस्टल के बारे में कुछ सुना है क्या? जिसके जवाब में मैंने ऋतिक से कहा, क्या मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सुना, तूने क्या सुन लिया? जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा, भाई मैं भी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया हूँ, इस हॉस्टल में आया हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये हॉस्टल भूतिया है। अभी तक कुछ ऐसा महसूस तो नहीं हुआ मेरे को, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये हॉस्टल भूतिया है। और फिर मैंने अपने दोस्त ऋतिक से कहा, अरे वो मज़े लेते होंगे तेरे, ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं हॉस्टल में, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर ऋतिक ने कहा, अरे भाई बहुत स्टूडेंट कहते हैं यार, सारे के सारे बेवकूफ़ थोड़ी बनाएंगे। और फिर मैंने ऋतिक को समझाया और फिर ऋतिक ने कहा, हाँ तू शायद सही कह रहा है। और फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में आ गए। उसी रात मेरे को याद है आज भी, जब मैं उठा था तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। तब मुझे टॉयलेट लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो टॉयलेट कर लिया जाए। टॉयलेट कमरे से बाहर था तो मैं टॉयलेट में गया। टॉयलेट करके जब मैं वापस आया तो बालकनी भी थी तो मैंने सोचा कि चलो बालकनी में थोड़ी ताज़ी हवा ले ली जाए। मैं बालकनी में थोड़ी देर खड़ा हुआ, उस बालकनी से जो रोड थी वो साफ साफ दिखती थी। तब मैं उस रोड की तरफ देख ही रहा था तो पूरी सुनसान रोड थी, एक जानवर भी कोई कुत्ता भी नहीं था वहाँ पर, पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। गाड़ियाँ खड़ी थी और एकदम सुनसान रोड पड़ा हुआ था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे वहाँ से चलता हुआ गुजर रहा है। मुझे लगा कि शायद अपने किसी काम से जा रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, और मैं कमरे में वापस आ गया। जब मैं कमरे में वापस आया और बेड पर लेटा तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए पास में गया दरवाजे के और दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। और जब मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। मैंने वापस दरवाजे को बंद किया और फिर वापस से सोने के लिए बेड पर लेट गया, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया। मैंने वापस से दरवाज़ा खोला, फिर से कोई नहीं था। ऐसे ही 2-3 बार हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने ऋतिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और फिर ऋतिक बाहर आया और उसने मुझसे कहा, क्या हो गया इतनी रात को, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? जिसके जवाब में मैंने ऋतिक से कहा, अरे यार कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा कौन है। और फिर ऋतिक ने कहा, दरवाज़ा खटखटा रहा है, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। और फिर मैंने ऋतिक से कहा, कैसे सुनाई देगी, तू गहरी नींद में सो रहा होगा। और फिर ऋतिक ने कहा, अरे कहाँ है यार, इतनी गहरी नींद में नहीं सोता मैं, अगर कोई खटखटाने के लिए आवाज़ आती तो मैं उठ जाता, कोई आवाज़ नहीं आई यार। और फिर मैंने ऋतिक से कहा, अरे आई है। फिर ऋतिक ने कहा, अरे यार तेरा वहम हुआ होगा, जा सो जा। और फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों परेशान करना बेचारे को, तो फिर वो अपने कमरे में चला गया और मैं वापस अपने कमरे में आ गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है जो मेरे साथ कमरे में आ गया है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी, मुझे काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। मेरे कमरे में एसी नहीं था तब भी मेरे को एकदम ठंडी हवा लग रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी मेरे लिए। मैंने इग्नोर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं
सोने के लिए बेड पर लेट गया। कुछ ही वक्त हुआ था सोए हुए, तभी मेरे को एक सपना आया। मेरे मुंह में किसी ने कपड़ा ठूसा हुआ और मेरे हाथ पैर को बांधकर मुझे किसी ने ट्रेन की पटरियों पर बांध रखा है और ट्रेन आ रही है। वो भयानक मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि वो ट्रेन मेरे से कुछ ही कदम दूर थी, तभी मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि मैं पसीने से तरबतर हूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। इतना भयानक सपना देखने के बाद मुझे तो नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए मैंने पसीने को पोंछा और हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह धोने के बाद मैं वापस से बालकनी में चला गया कि ठंडी हवा लेने के लिए, और बालकनी में खड़ा ही था तभी मैंने देखा कि वही आदमी जिसे मैंने पहले देखा था वो अभी भी उसी रोड पर चले जा रहा है धीरे धीरे करके। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि क्या इतने घंटे से इससे रोड पार नहीं हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी। लेकिन वो आदमी धीरे धीरे करता हुआ रोड पे चले जा रहा था। मैं उसको ये देख रहा था और काफ़ी देर तक मैं उसे ही देखता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसकी चाल बदलने लगी। मैंने देखा कि वो काफ़ी अजीब और ढंग से चलने लगा था, और उसका ढंग इतना ज़्यादा अजीब और डरावना था कि मेरे को डर लगने लगा था उससे। और तभी अचानक से उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ़ देखा, और जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ़ देखा मेरी तो जैसे हालत ही ख़राब हो गई थी। मैं वापस से कमरे में भागता हुआ आया और मैं तुरंत बेड पे सोने के लिए लेट गया। कुछ ही देर हुआ था, मुझे लगा कि चलो शायद उसे पीछा छूट गया, और मैंने एक गिलास ठंडा पानी पिया और तब जाके मुझे सांस में सांस आई। मैं वापस से बेड पर लेट गया, लेकिन मैं लेटा ही था तभी अचानक से किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा फिर से खटखटाया। कमरे का दरवाज़ा जब मैंने खोला तो मैंने देखा कि ऋतिक सामने खड़ा था, और ऋतिक ने मुझसे कहा कि चला बाहर घूम के आते हैं। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। मैंने ऋतिक से कहा, भाई पागल वागल हो गया क्या, रात के 3:30 बजे कहाँ घूमने जाएगा? जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा, अरे यहीं नीचे का चक्कर मार कर आते हैं, आ जा। मैंने ऋतिक को काफ़ी ज़्यादा समझाया कि रात ज़्यादा हो गई है, जाना ठीक नहीं, लेकिन वो माना नहीं, और दोस्त था मना कैसे कर देता। मैं भी चल पड़ा उसके साथ। हम दोनों हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे, लेकिन उस वक्त ऋतिक का स्वभाव कुछ अजीब लग रहा था मुझे। वो मुझे घुमाने के बहाने उसी रोड पर लेकर आ गया जिस रोड पर मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा था, और बातों ही बातों में मैंने ऋतिक से कहा, अरे भाई तुझे कुछ पता है, अभी जब मैं बालकनी में खड़ा था ना, तब मेरे को यहीं इसी रोड पर एक बूढ़ा आदमी नज़र आया था, और वो धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी घंटों पहले, तकरीबन पहली बार मैंने उसे 2:00 देखा था, और फिर 3:00 थे तब मैंने वापस से उसे देखा, तब भी वो इसी रोड पर चल रहा था। इतनी रात को उस बूढ़े आदमी को इस रोड पर चलता हुआ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। और फिर ऋतिक ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो उस आदमी से डर गया था, अच्छा वो कैसे चल रहा था? और फिर मैंने उससे कहा, अरे वो धीरे धीरे चल रहा था यार, एकदम पता नहीं इंसान ही था कि क्या था। और फिर ऋतिक ने उसी बूढ़े आदमी की तरह चलना शुरू किया और चलते हुए मुझे देखकर हंसते हुए कहा, क्या इस तरह से चल रहा था? और जब मैंने ऋतिक को ठीक उसी तरह से चलते हुए देखा तो मेरी रूह कांप गई, और वो पागलों की तरह हंस रहा था ऋतिक, और मैं वहां से तुरंत भागा कमरे की तरफ। जैसे ही मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि ऋतिक ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और वो बाहर निकला, और उसने बाहर निकलते हुए बोला, अरे भाई तेरे को नींद नहीं आ रही क्या, कर क्या रहा है तू? और फिर जब मैंने ऋतिक को अपने सामने देखा तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि अगर ऋतिक यहाँ पर है तो मैं जिसके साथ घूमने गया था वो कौन था। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने ऋतिक को गले लगा लिया और ऋतिक से मैंने कहा, अरे अरे भाई मैं अभी तू यहाँ है,
अभी तो तू मेरे पास आया था ना, तूने कहा था चल घूमने चलते, फिर हम तो मिलके नीचे घूम रहे थे और तू फिर अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। जिसके जवाब मेरे दिक ने कहा, भाई तू ठीक तो है ना, तेरा दिमाग वगैरह सब ठीक है ना, कैसी बातें कर रहा, मैं तो सो रहा था कब से, और तेरे पता नहीं कदमों की आवाज़ें भागने की आवाज़ें सुनी तब मैं बाहर निकला हूँ, आखिर बात क्या है। और फिर मैंने ऋतिक को सारी बातें बताई और फिर ऋतिक ने कहा, सच में हुआ था क्या ऐसा? और फिर मैंने हाँ मैं सर हिलाया जब ऋतिक ने मेरा घबराया हुआ चेहरा देखा और मेरे चेहरे से पसीने को टपकते हुए देखा, तो उसे भी यकीन हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और फिर ऋतिक ने मुझसे कहा, मैंने तुझसे कहा था ना कि हॉस्टल भूतिया है, कई लोगों ने बताया यार मेरे को, एक नहीं कई लोगों ने। और फिर मैंने ऋतिक से कहा, शायद तू सही कह रहा, अब से रात के वक्त निकलना ही नहीं है। और ये कहकर ऋतिक और मैं अपने अपने कमरे में चले गए और मैंने जैसे तैसे उस रात को बिना सोए ही बिता दिया। सुबह सुबह उठा तो मेरा दिमाग खराब था क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था। और फिर दिन बीता, दिन बीतते बीतते मैंने एक और बंदे को इस बारे में बताया और फिर उस बंदे ने मुझसे कहा कि रात के वक्त मत निकलियो कमरे से, अगर इस बार वो बूढ़ा आदमी तुझे नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज कर दियो, समझा क्या? और फिर मैंने हाँ मैं सर हिलाया, रात के वक्त मैं सो गया और जब मैं सो रहा था तभी मेरा गला वापस से सूखा, मैं पानी पीने के लिए उठा ही था तभी मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी ठीक मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझे देखकर वो हंसने लगा, और उसे हंसते हुए देखकर मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि वहीं पर बेहोश हो गया। और तकरीबन 1.5 घंटे बाद मुझे होश आया, और जब मुझे होश आया तब मैंने पूरे कमरे में देखा तो मेरे के अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने पानी पिया और सांस में सांस ली, सोने के लिए मैंने वापस से आंखें बंद करी तब मुझे उस बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई देने लगी। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता था तब मुझे कोई नज़र नहीं आता था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता था तब मुझे उस बूढ़े आदमी की हंसी सुनाई देती थी। और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैं ऋतिक के कमरे में गया, और जैसे ही मैं ऋतिक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था ऋतिक ने उससे पहले ही कमरे के दरवाजे को खोल दिया, और मैंने उसकी शक्ल देखी और उसने मेरी शक्ल देखी तो हम दोनों की शक्ल पे 12 बजे हुए थे। और ऋतिक ने मुझसे घबराते हुए पूछा कि क्या हुआ, और फिर मैंने ऋतिक से कहा, अबे मैंने उस बूढ़े आदमी को अपने कमरे में देखा। और फिर ऋतिक ने कहा, अपने बेड पर बैठे हुए ठीक अपने सामने? और फिर मैंने हाँ मैं सर हिलाया, हम दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी तब हम समझ गए कि हमारे साथ एक ही घटना हुई है। हम दोनों ने ठंडा पानी पिया और अपने मुंह को धोया और फिर दिमाग ठंडा करके एक दूसरे से बात करने लगे। मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार बहुत डरावना था वो। और फिर ऋतिक ने कहा, हाँ भाई तू सही कह रहा। और फिर जब हम कमरे में बैठे हुए थे तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और ऋतिक दरवाज़ा खोलने के लिए गया और मैं बेड पर ही बैठा हुआ था, और जैसे ही ऋतिक ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी ठीक बाहर खड़ा है। और जब मैंने और ऋतिक ने उस बूढ़े आदमी को देखा तब हमारे मुंह से चीख निकल गई, और हमारी चीख सुनते ही कई सारे स्टूडेंट्स बाहर आ गए और उन्होंने तुरंत पूछना शुरू कर दिया, क्या हुआ क्या हुआ, चलाए क्यों तुम दोनों? और फिर हमारे पास शब्द ही नहीं थे कि आखिर हम क्या बताएं। और फिर मैंने उसी बूढ़े आदमी के बारे में सबको बताया, तब कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि शायद तुम्हारा वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ये कहकर सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे में चले गए। उस दिन के बाद से वो बूढ़ा आदमी मुझे कई जगह नज़र आया और ऋतिक को भी, लेकिन जैसे तैसे हमने अपने आप को इस बात के लिए मनवा लिया था कि हमें उस बूढ़े आदमी पे
ध्यान नहीं देना है। कई रातों तक वो बूढ़ा आदमी हमें दिखाई देता रहा, लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और कई दिन बीत गए, और कई दिन बीतने के बाद वो बूढ़ा आदमी हमें दिखना बंद हो गया। लेकिन आज भी कभी कभी वो बूढ़ा आदमी और उसकी डरावनी हंसी हमें सुनाई देती है। सचिन उस रात बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। घबराया हुआ वो अपने घर पहुंचा और अपने घर का दरवाजा खोल के वो तुरंत घर के अंदर घुस गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने सबसे पहले अपने मुंह को धोया और ठंडा पानी पीकर अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया। खाना खाने के बाद वो बेड पर सोने के लिए लेट गया। और सोने के बाद जैसे ही थोड़ी देर बीती, तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने घर में नहीं है, वो किसी मैदान में है। उसे मिट्टी की खुशबू आ रही थी। तभी अचानक से उसके मुंह पे थोड़ी सी मिट्टी आई, और जब वो मिट्टी मुंह पर आई, तब अचानक से सचिन की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है, और कोई मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, यानी कि उसे कोई जिंदा दफन कर रहा है। सचिन चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रहा था। सचिन वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। सचिन इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो रो रहा था। सचिन की आंखों के सामने ही उसे जिंदा दफनाया जा रहा था, और सचिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से सचिन ने अपनी पूरी जान लगाई और उसने अपनी बॉडी पे वापस से कंट्रोल पा लिया। वो उस गड्ढे से जैसे तैसे बाहर निकला और उसने हर तरफ देखा तो उसने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में है। उस कब्रिस्तान में हर तरफ सिर्फ कब्र ही कब्र थी, जिसे देखकर सचिन के पसीने छूटने लगे। वो वहां से अपनी पूरी जी जान लगाकर भागा, लेकिन वो कब्रिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे पूरी दुनिया में वो फैला हो, कई किलोमीटर भागने के बाद भी वो कब्रिस्तान खत्म नहीं हुआ। और जैसे ही सचिन थक के रुक गया, वैसे ही उसे महसूस हुआ कि कोई और भी है जो उसके आस पास ही घूम रहा है। सचिन को वो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास उसे हो रहा था, क्योंकि उसे किसी के भारी भारी कदमों की आवाजें आ रही थी और किसी की सांसों की भी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, और सांस लेने वाला सचिन के आसपास ही था। सचिन ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि किसी को मदद के लिए बुला लिया जाए। उसने जैसे ही अपने फोन को निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसका हाथ जलने लगा, और उसका हाथ जलने की वजह से सचिन ने अपने हाथ को पॉकेट से बाहर निकाला और चिल्लाते हुए इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और किसी ने उसके कानों में कहा, वहां से तो बच के आ गया, यहां से बच के कैसे भागेगा। तभी अचानक से उसका पैर किसी ने पकड़ लिया, और उसके पैर को पकड़कर कोई घसीटता हुआ उसे गड्ढे की तरफ उसे लेकर जाने लगा। उसका पैर जो भी खींच रहा था, सचिन उसे देख नहीं पा रहा था, बस कोई उसे खींचता हुआ उसी गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा था। और कुछ ही देर बाद वो जो कोई भी था
वो सचिन को उस गड्ढे के पास लेकर आ गया और सचिन को उस गड्ढे में फेंक दिया और वापस से हंसते हुए सचिन के ऊपर मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डालते डालते उस आत्मा ने, वो जो कोई भी थी, उसने सचिन को पूरा दफन कर दिया और सचिन अंदर सांस लेने के लिए भी तड़प रहा था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में है। वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। वो उठा और उसने आईने में अपनी शक्ल को देखा तो उसकी शक्ल का रंग उड़ चुका था। उसके माथे से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे कि कोई झरने से पानी बहता। उस रात सचिन सो नहीं पाया और सुबह तकरीबन 6 बजे उसने सोचा कि चलो अब ऑफिस के लिए रेडी हुआ जाए। वो ऑफिस के लिए रेडी हो ही रहा था तभी अचानक से उसने अपने बेड पर देखा। उसने देखा कि उसके बेड पर मिट्टी पड़ी हुई थी। मिट्टी को देखकर सचिन की आंखें खौफ से बड़ी होती गई और उसने उस मिट्टी को उठाकर देखा तो वो वही मिट्टी लग रही थी जो उसने सपने में देखी थी, जिस मिट्टी में उसे दफन किया जा रहा था। अब बात हद से ज्यादा बढ़ रही थी। अगर वो सब सिर्फ एक सपना था तो मिट्टी सचिन के बेडरूम में कहां से आ गई? सचिन यही सब बातें सोच रहा था। तभी उसने सोचा कि इन सब बातों के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले ऑफिस चला जाए। ऑफिस में जैसे ही सचिन पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टाफ आया ही नहीं था। गिनती के सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय काम कर रहे थे। सचिन ने पूछा, क्या बात होगी भाई, आज कोई आया क्यों नहीं? जिसके जवाब में एक स्टाफ ने एक अजीब सी आवाज के साथ कहा, सब की तबीयत खराब है, तुम अपना काम करो। सचिन को काफी ज्यादा अजीब लगा। फिर उसने सोचा कि चलो उसका क्या है, उसे तो अपना काम खत्म करना है। वो अपने टेबल पर बैठ गया और उसने अपने कंप्यूटर को ऑन किया। जैसे ही उसने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ लिखा आया और वो लिखा था कि वहां से तो बच के आ गए, यहां से बच के कैसे जाओगे? और ये जो टेक्स्ट था वो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गया। सचिन को कुछ समझ नहीं आया। सचिन को लगा कि शायद ये उसकी आंखों का वहम था। सचिन ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और अपने काम में लग गया। उस दिन ऑफिस बहुत खाली खाली था। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। जो वो गिनती के एम्प्लॉयज थे वो अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक एम्प्लॉय सचिन के पास आया और उसने सचिन को एक फाइल दी और कहा, अरे सचिन जरा इस फाइल को चेक करियो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा हुआ है। और फिर सचिन ने उस फाइल को खोला तो उसके पहले पन्ने पे ही एक चीज लिखी हुई थी, वहां से तो बच के आ गए, यहां से बच के कैसे जाओगे? और जब सचिन ने यह बात पढ़ी तो उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उसने उस एम्प्लॉय की तरफ देखा तो वह एम्प्लॉय मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए उस एम्प्लॉय ने कहा, क्या हो गया, तुझे भी समझ नहीं आ रहा? फिर सचिन ने वापस से उस फाइल की तरफ देखा तो सचिन ने देखा कि उस फाइल पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। सचिन समझ गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। सचिन ने उस फाइल के बारे में उस एम्प्लॉय को समझाया
और वो एम्प्लॉय उस फाइल को लेकर वहां से चला गया। और उस एम्प्लॉय ने सचिन को जाते हुए एक बात कही, वहां से तो बच के आ गया, यहां से बच के कैसे जाएगा। और फिर सचिन ने घबराते हुए कहा, क्या कह रहा है तू, हाँ तेरा कहने का मतलब क्या है? जिसके जवाब में उस एम्प्लॉय ने कहा, क्या हुआ, क्या कहा मैंने, मैं तो कुछ नहीं कहा। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। सचिन ने जैसे तैसे अपने दिमाग को ठंडा किया और शाम तक अपने काम को खत्म किया। काम को खत्म करने के बाद वो अपने ऑफिस से बाहर निकला और अपने घर के लिए किसी रिक्शा को ढूंढने लगा। उसे एक अंधेरे कोने में एक रिक्शा खड़ी हुई नजर आई और उस रिक्शा के पास जाकर सचिन ने कहा, मुझे जरा मेरे घर छोड़ दो, मेरा घर वहीं पर है रानी बाग पे। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, ठीक है सर बैठिए। और वो ऑटो वाला ऑटो को चालू करके वहां से चल पड़ा। और जब सचिन अपनी मंजिल पे पहुंच गया तो उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अपने पर्स को निकालकर उसमें से पैसे निकाले और ऑटो वाले को दिए। और जैसे ही ऑटो वाले ने पैसे को पकड़ा तो पैसे को पकड़ते ही उसने कहा, वहां से तो बच के आगे, यहां से बच के कैसे जाओगे। और जैसे ही ये बात सचिन ने सुनी तो उसने चिल्लाते हुए बोला, क्या बोल रहा है हा? और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, क्या साहब मैंने तो कुछ नहीं कहा, चिल्ला क्यों रहे हैं आप, मैं तो कुछ बोला भी नहीं। और फिर सचिन ने कहा, क्यों क्या नहीं बोला, अभी बोला दो। और फिर उस ऑटो वाले ने कहा, साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं चलता हूं। और यह कहकर वो ऑटो वाला वहां से चला गया। सचिन अपने घर वापस आ गया और सचिन अपने खाने का इंतजाम करने लगा। खाना बनाते बनाते उसका दिमाग खराब होने लगा क्योंकि उसके साथ जो चीजें घट रही थी वो उसे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो खाना बाहर से ऑर्डर कर लेगा और उसने अपना फोन को निकाला और बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। कुछ ही मिनट बाद खाना घर पे आ गया। किसी ने घर की डोरबेल बजाई तो ज्यादा समझने में देर नहीं लगी कि वो खाना डिलीवर करने वाला ही होगा। सचिन घर के दरवाजे के पास गया और उसने घर के दरवाजे को खोला तो एक डिलीवरी बॉय हाथ में खाने का पैकेट लेकर खड़ा था और उसने सचिन से कहा, लो सर आपका खाना। और फिर सचिन ने खाने के पैकेट को लिया और जैसे ही खाने के पैकेट को सचिन ने लिया तो उसे डिलीवरी बॉय ने बोला, वहां से तो बच के आगे, यहां से बच के कैसे जाओगे। सचिन ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और पैसे निकालकर उस डिलीवरी बॉय को दे दिए क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तब वो डिलीवरी वाला भी यही बोलेगा कि उसने तो कुछ कहा ही नहीं। अब सचिन को ये मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा लग रहा था। वहम एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीन बार हो सकता है, लेकिन बार 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 नहीं हो सकता, ये बात सचिन को पता थी। खाना खत्म करने के बाद सचिन का फोन बजा और सचिन ने फोन उठाया तो उसने देखा कि कॉल किसी और का नहीं, उसके बचपन के दोस्त का था। और जैसे ही सचिन ने अपने बचपन के दोस्त की कॉल देखी तो सचिन ने तुरंत उठाया और सचिन ने कॉल को उठा कर कहा, और रमेश कैसा है तू, बड़े दिनों बाद याद किया। और फिर सामने से आवाज आई, हाँ भाई बहुत बिजी था, मिलेगा क्या, टाइम है तेरे पास। जिसके जवाब में सचिन ने कहा, और फिर अरे हाँ भाई तेरे लिए तो हमेशा ही फ्री हूं मैं, तो ये बता कहाँ मिलना है। जिसके जवाब में रमेश ने कहा, अरे मैं यही हाईवे पर हूँ, जल्दी आ जा फिर दोनों मिलके मस्ती करेंगे। और सचिन ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है भाई मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत हाईवे की तरफ बढ़ गया। हाईवे उसके घर से ज्यादा कुछ दूर नहीं था, कुछ मिनट्स का रास्ता था। चलते 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 जब वो हाईवे की तरफ पहुंचा तभी
अचानक से उसे पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और टक्कर मारते ही सचिन काफी दूर जाकर गिरा। टक्कर की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगी और सचिन के सर से खून बहने लगा। सचिन वहां पर बदहोश हालत में पड़ा हुआ था। तभी वहां पर एक आदमी आया जिसे देखकर सचिन खौफ से रोने लगा। उस आदमी ने सचिन को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाकर उसे एक जगह पर लेकर गया और उस आदमी की शक्ल देख देख कर सचिन रोए जा रहा था और उसे हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन वो आदमी ऐसे चले जा रहा था जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा हो। वो सचिन को लेकर एक जगह पर पहुंचा और उसने वहां पर पहले से ही एक गहरा खड्डा खोद रखा था और उसने सचिन को उसी में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। सचिन रोए जा रहा था, बिलके जा रहा था, लेकिन उस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और तभी सचिन अपने किए गए पाप को कबूल करता है। वो माफी मांगता है क्योंकि जिस रात वो ऑफिस से वापस आ रहा था तब भी वो एक कार में था और जब वो कार से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उसने एक सुनसान रोड पर एक आदमी को ठोकर मार दी थी और ठोकर की वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई थी। सचिन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि अगर वो पुलिस के पास जाता तो सचिन को जेल होना तय थी, जिसकी वजह से उसने उस आदमी की लाश को वहीं पास में ही एक मैदान में गड्ढा खोद के दफना दिया था और वही काम अब सचिन के साथ हो रहा था। सचिन को भी दफनाया जा रहा था। सचिन चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उस आदमी ने सचिन को जिंदा दफना दिया।